हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड केमिस्ट्री। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मास्टर कैडर एंड लेक्चर कैडर मैथमेटिक्स एग्जाम। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज इज ऑप्शन ए इज क्लोज्ड -1:1, ऑप्शन बी इज ओपन इंटरवल -1:1, ऑप्शन सी इज ओपन इंटरवल 0:1, डी इज नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें ये सीरीज़ गिवन है, हमें इस सीरीज़ का डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, यानी एक ऐसा इंटरवल, एक ऐसा रीजन जिसके सभी पॉइंट्स के लिए ये सीरीज़ क्या कर रही हो, कन्वर्ज कर रही हो, हमें वो रीज़न बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम टू वे से कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर सॉल्व करें इसको, जो पर्टिकुलर हमारे पास जैसे प्रॉपर मेथड होता है उसकी हेल्प से जाइए, या फिर सेकेंड वे होगा हम ऑप्शंस की हेल्प से भी इस क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। तो पहले हम जो प्रॉपर मेथड है इसको सॉल्व करने का उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे ऑप्शंस की हेल्प से हम कैसे डील कर सकते थे इस क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन में हमें जो सीरीज़ गिवन है वो गिवन है 1 + x/1² + x² / 2² प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये सीरीज़ को अगर हम समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज x^n अपॉन एन स्क्वेयर, वेयर एन इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to ∞। जब हम एन को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अपॉन 1 स्क्वेयर, 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, x^2 अपॉन 2 स्क्वेयर। तो ये टर्म्स हमारी, ये टर्म्स हमारी बननी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही आप एन को 1, 2, 3 पुट करोगे। यहाँ पे 1 नहीं बन रहा है हमारा, तो सीरीज़ में क्या होता है, एक टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते होते हैं, एक टर्म यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 को नेगलेक्ट कर दिया, बाकी की सारी टर्म्स हमारे ये सीरीज़ में कवर हो रही हैं। ठीक है, ये सीरीज़ और ये वाले सीरीज़ का बिहेवियर सेम ही रहेगा, एक टर्म को नेगलेक्ट करने से सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें ये सीरीज़ का बिहेवियर चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है वो कौन से रीज़न में कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। तो सीरीज़ हमें ये गिवन है, हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प से इजीली बता सकते हैं कि ये सीरीज़ जो होगी वो कौन से रीजन में कन्वर्ज कर रही होगी। ठीक है, सो हम इसको कंपेयर करते हैं पावर सीरीज से। पावर सीरीज हमारा होता है इस टाइप का, ए एन x^n। तो x^n का जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो हमारा ए एन होगा। तो x^n के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या पड़ा है, 1/n² ना, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/n². ठीक है, सो हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की, कौन से रेडियस में ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन +1/an। ठीक है, वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन सीरीज। ठीक है, तो हम इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं, तो ये आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू अगर हमारे पास 1/n² है तो ए एन +1 कितना होगा, ए एन +1 होगा 1/n+1 द होल स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू डालनी है, ए एन की, तो ए एन हमारे पास कितना है, 1/n², आप यहाँ पे ए एन +1 की और यहाँ पे ए एन की जब वैल्यू डालोगे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा n² / 1। ठीक है, हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसका लिमिट निकालना है, एंड दिस इज़ नथिंग बट, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी n² / n+1 द होल स्क्वेयर। राइट, तो यहाँ पे क्योंकि एन यहाँ पे हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी, तो आप मॉडुलस यहाँ से स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया n² डिनोमिनेटर से, हम n जब कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो बिकॉज पावर 2 है तो n² कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 + 1/n² सॉरी n, n यहाँ से हमने कॉमन निकाले तो यहाँ पे 1 + 1/n आएगा, बिकॉज स्क्वेयर था तो आउटसाइड यहाँ पे n² आएगा, यहाँ पे है ओनली n, ये स्क्वेयर पड़ा है यहाँ पे, n² से n² हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो जब आप यहाँ पे लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन गया, 1 + 1/∞ इज़ 0।
ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमने वैल्यू किसकी निकाली है, 1/r की। तो 1/r हमारे पास कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया है। ठीक है, यानी जो सीरीज है हमारे पास वो ये रेडियस के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं गिवन सीरीज, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर, ये एक्स में है ना हमारी सीरीज, तो हम ऐसे लिखते होते हैं जो सीरीज होती है ना हमारी मॉड ऑफ एक्स लेस देन जो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आता है ना, इसके लिए हमेशा इस रीजन में हमेशा कन्वर्ज करती होती है। तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, बिकॉज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा 1 आया है। और इस इनक्वालिटी को जब हम ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से हमारे पास ये रीजन आ गया कि इस रीजन के लिए जो सीरीज है हमारा वो पक्का कन्वर्जेंट है। और इसमें ना ध्यान रखने वाला जो बात होता है वो ये है कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो हमें इंटरवल तो दे देता है कि इस इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए हमारी जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इस इंटरवल के इन साइड जितने भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो बाउंड्री पे पॉइंट्स होते हैं ना इसकी गारंटी नहीं देता है जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, कि जो बाउंड्री पे जो पॉइंट्स रह गए हैं उनके लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें नहीं बताता है। ठीक है, अब ऑप्शन में आप देखो -1 to 1 तो पड़ा है, अब ये ऑप्शन आपने डायरेक्ट टिक नहीं करना है क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ने हमें जस्ट इतना बताया है कि इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन बाउंड्री वाले पॉइंट्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, तो हमें इनको इन पे अलग से चेक करना पड़ता है। अगर 1 पे सीरीज कन्वर्ज कर जाती है हमारी तो हमें 1 को ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस में इंक्लूड करना पड़ेगा, 1 को हम इंक्लूड करके चलेंगे। अगर -1 पे भी हमारा सीरीज कन्वर्ज कर जाता है तो -1 भी हमें इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बाउंड्री पे हमेशा हमने अलग से चेक करना होता है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की खासियत बस यही होती है कि ये जो इंटरवल आता है इसके बीच वाले पॉइंट के लिए हमें, हम पक्का श्योर होते हैं कि इन पॉइंट्स के लिए सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी, और इसके आउटसाइड जो पॉइंट्स होते हैं इन पे पक्का सीरीज डाइवर्ज करती होती है। बाउंड्री के पॉइंट्स पे हमें अलग से चेक करना पड़ता है, बस यही हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर डायरेक्ट ओपन इंटरवल -1 to 1 आपने मार्क नहीं करना है, आप बाउंड्री के पॉइंट्स पे अलग से चेक करोगे सीरीज का बिहेवियर कैसा है, इट इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, तो चेक कर लेते हैं, -1 to 1 तो हमें क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ तो सीरीज कन्वर्जेंट है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, हम बाउंड्री पे चेक करते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू 1 हुई तो सीरीज का कैसा बिहेवियर होगा। तो सीरीज हमारे पास कौन सी है, यही है ना, तो यहाँ पे अगर हम एक्स को 1 डाल दें तो ये सीरीज हमारा क्या बन जाएगा, एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, 1, एक्स की वैल्यू 1 डाल दी, 1 raised to power n इज 1, 1/n². ठीक है, तो ये तो सीरीज जो है हमारे पास ये तो कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट, है ना, ये सीरीज हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, Summation 1/n raised to power p। ठीक है, तो पी टेस्ट में जो सीरीज होती है वो इस फॉर्म की होती है हमारे पास, और हम ये कहते हैं कि अगर p> 1 हुआ तो हमारी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, और p> 1 के लिए सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो ये वाले सीरीज को अगर हम इससे कंपेयर करें तो p की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ रही है, p अगर 2 है तो ऑब्वियस है p> 1 है यहाँ पे, है ना, p की वैल्यू > 1 आ रही है, तो ये सीरीज जो होगी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। तो एक्स की वैल्यू 1 डालने पर ये जो सीरीज है हमारी ये हमारे पास कन्वर्जेंट ही रह रही है, तो 1 जो होगा वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहां से इतना तो क्लियर हो गया, ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, इसमें 1 इंक्लूड किया है, नहीं किया ना, 1 ओपन रखा हुआ है, 1 तो आना चाहिए, उसने डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन जिसमें सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा, इसमें भी उसने 1 कंसिडर नहीं किया है ना। अब ये बचता है ए एंड डी ऑप्शन, इनमें से या तो ये ऑप्शन में होगा, अगर ये भी नहीं है तो फिर ये बन जाएगा, है ना। तो 1, तो 1 पे तो हम चेक कर चुके हैं सीरीज का बिहेवियर, हम -1 पे चेक करना है। अगर हम एक्स को -1 पुट करते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू -1, है ना, तो ये सीरीज हमारा कैसा बन जाएगा, सीरीज -1 raised to power n/n². ये तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं बन गया, ऑल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं, बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, जिसको हम लेबनीज टेस्ट भी बोलते हैं, है ना। तो चेक कर लेते हैं, लेबनीज टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास इस टाइप का सीरीज हो -1 raised to power n
इंटू ए एन, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं कि ए एन जो है वो जितने भी ये टर्म्स हैं वो सब पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं कि ए एन जो है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन हम चेक करते हैं कि जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन पे, इसका आंसर जीरो आना चाहिए। अगर ये तीनों ही कंडीशन होल्ड कर जाते हैं तो हम कह देते हैं कि बाय लिबनीज टेस्ट ये जो सीरीज होगा, ओवरऑल सीरीज ये जो बन रहा है वो कन्वर्जेंट होगा। अब इस क्वेश्चन में जब हम एक्स को -1 डालते हैं तो हमारी सीरीज ये बन गई -1 रेज टू पर n, साथ में यहाँ पे ए एन, ए एन हमारा क्या बन जाएगा, 1/n² है ना, ए एन इज इक्वल टू 1/n², राइट। तो पहली बात, क्या ए एन इसका हर एक टर्म पॉजिटिव है? बिल्कुल, एन इज नेचुरल नंबर तो हर एक टर्म पॉजिटिव ही आएगी, तो फर्स्ट कंडीशन लिबनीज टेस्ट की ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वन इज ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे जैसे हम इसकी टर्म्स फाइंड करेंगे आगे, a1 a2 a3, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग है या नहीं हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम फंक्शंस में भी पढ़ते हैं ना, डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो होता है वो डिक्रीजिंग कब होता है? फंक्शंस में हम ऐसे लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर वो लेस देन जीरो आ रहा हो फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, तो हम क्या देते हैं कि वो जो फंक्शन होगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो ए एन है, ए एन डैश निकाल लेते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2/n³ होगा। और हमें पता है एन तो नेचुरल नंबर है, अब एन को आप कुछ भी यहाँ पे डालते रहो, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट आगे जो नेगेटिव साइन है वो इसको हमेशा लेस देन जीरो ही बनाएगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमेशा लेस देन जीरो आ रहा है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन, एन नेचुरल नंबर है, एन को कुछ भी पुट करते रहो, ये जो वैल्यू आएगी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन ये हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यानी ये जो हमारी सीक्वेंस बन रही है a(n)(1/n²), दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एंड थर्ड कंडीशन क्या होता है लिबनीज टेस्ट के लिए, कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो जीरो आना चाहिए। अब ए एन पे आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ इज जीरो। तो जब हम एक्स को -1 पुट कर रहे हैं तो हमारी सीरीज ये बन जाती है, और ये सीरीज जो हमारी बन रही है वो लिबनीज टेस्ट की तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो बाय लिबनीज टेस्ट हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है हमारा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो -1 के लिए भी हमारा सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट ही आ रहा है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ने हमें ये रीज़न दिया था कि ये वाली सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा। एक्स आप यहाँ से कुछ भी उठा लो, लेकिन बाउंड्री पे हमने चेक किया, 1 पे भी हमारा सीरीज कन्वर्जेंट आ रहा है, -1 पे भी सीरीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ने ये तो बताया था ना कि इसके आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए तो हमेशा डाइवर्जेंट होगी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर ही है, ऑप्शन ए जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने इसमें 1 को इंक्लूड ही नहीं किया, ये भी नहीं आंसर हो सकता इसमें भी इसने 1 को इंक्लूड नहीं किया, 1 तो आना चाहिए ना आंसर में, तो ये ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, बाय ऑप्शन करना था डायरेक्टली, तो बाय ऑप्शन हम जा सकते थे बिल्कुल ऐसे ही। सीरीज की हमने जनरल सीरीज को हमने पहले जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, समेशन के फॉर्म में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। फिर ऑप्शंस की हेल्प आप ले सकते थे डायरेक्ट, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है जब आप बाय ऑप्शंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन में पड़ा है ना, नन ऑफ दीज यहाँ पे पड़ा है। हम डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे सीरीज आपने ये वाले फॉर्म बना ले इन जनरल, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे एक्स को 1 पुट करके देखते हैं, एक्स को जब आप 1 डालोगे यहाँ पे तो ये सीरीज ने क्या बन जाना था, 1/n² बन जाना था, है ना। और बाय पी टेस्ट ये सीरीज तो करती है कन्वर्ज, तो जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगी उसमें एक्स इज इक्वल टू 1 तो इंक्लूड होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि सी ऑप्शन में तो 1 को इंक्लूड ही नहीं किया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी 1 को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चॉइस बचती है ए और डी में। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप ए ऑप्शन को मार्क कर सकते हो, डी को डिस्कार्ड कर सकते हो, अदरवाइज फिर आप प्रॉपर वे से ही जाओगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज दिस, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमें ए क्या दिया गया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, यानी ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए का, वो हमें क्या दिया गया है, x³ -2x² +4x -1 = 0। देन
फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इनवर्स, हमें फाइंड क्या करना है, हमें बतानी है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी किसकी, ए इनवर्स की। ओके, इनमें से चारों ऑप्शंस में से हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है ए इनवर्स की। तो यहाँ पे देखो, जो ए मैट्रिक्स हमें दिया गया उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 ऑर्डर का बन रहा है, तो हमें इतना तो क्लियर है कि जो ए होगा वो हमारा 3x3 का ही मैट्रिक्स होगा। तो जब हम डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते होते हैं ना, तो हम कैसे लिखते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स जब हमें गिवन हो तो हम ऐसे लिखते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, x³ माइनस, यहाँ पे लिखते होते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इंटू x², ठीक है, देन यहाँ पे लिखते हैं प्लस, यहाँ पे आता है हमारे पास माइनस ऑफ प्रिंसिपल डायगनल, ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है ना हमारे पास 3x3 का, अगर हम ले लें यहाँ पे ये a11, यहाँ पे कितना होगा a22, और यहाँ पे कितना होगा a33, बाकी यहाँ पे a12 a13 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना होता है a11 का जो माइनर निकाल के हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, तो माइनर ऑफ a11 मैं इसको अभी m11 लिख देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल डायगनल ही होता है, इसका माइनर निकाल दो, ये वाले जो एंट्रीज हैं इनका डिटर्मिनेंट निकाल के, ठीक है, माइनर ऑफ 2 2, इसका माइनर को हम डिनोट करेंगे m33 से, थे इसको, तो यहाँ पे ये वाला जो मैट्रिक्स बचेगा इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हमने यहाँ पे लिखना होता है, तो यहाँ पे x आता है, फिर यहाँ पे माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ऐसे बनती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, इनको अगर कंपेयर करेंगे, x³ है हमारे पास, ठीक है, x² के साथ ये x² पड़ा है, ये नेगेटिव साइन भी पड़ा है, और तो ये क्या होगा, ट्रेस होगा मैट्रिक्स ए का, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक्स है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 4 पड़ा है, तो यानी इन तीनों माइनस को जब आप ऐड करोगे तो 4 आ रहा होगा, माइनस लास्ट में क्या पड़ा होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट पड़ा होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमें कि डिटर्मिनेंट जो है हमारा मैट्रिक्स ए का वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, डिटर्मिनेंट कितना है, -1 है। तो किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स की अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसे कंपेयर किया जब हमारी गिवन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो हमें इतना क्लियर हो गया कि जो हमारी ए मैट्रिक्स होगी इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, -1 होगा। तो हमें क्या लिखना है, ए इनवर्स का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है ना, तो वो भी वैसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि अगर ए 3x3 का मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी तो 3x3 का ही मैट्रिक्स होगा ना हमारे पास, है ना। तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी ऐसे लिखी जाएगी, x³ माइनस, यहाँ पे आएगा ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इंटू x² प्लस, यहाँ पे आएगा सम ऑफ माइनर्स ऑफ मेन डायगनल इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, ऐसी बनेगी हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किसका, ए इनवर्स का। तो हमें ए का डिटर्मिनेंट क्लियर हो चुका है कितना है, -1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, -1 आया, तो ओवरऑल सॉल्व करके -1 नहीं आ गया है हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास +1 आ रहा था ना, -1 नहीं आ रहा है। जब हमने कंपेयर किया इसको, एक जो ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए लास्ट में पड़ा होता है, ये माइनस का साइन है, तो ये 1 है हमारा डिटर्मिनेंट ना, -1 नहीं होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हमने डाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विच इज़ 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1 था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी हमारे पास कितना आएगा, +1 आएगा। तो जब आप ए इनवर्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे तो इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ट्रेस रखना था, यहाँ पे सम ऑफ माइनर्स ऑफ मेन डायगनल्स रखना था, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट रखना है हमने ए इनवर्स का, वो तो 1 आ रहा है। तो आप ऑप्शंस में चेक कर लो, जिस भी ऑप्शन में लास्ट में -1, ये -1 वाला एंट्री होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 आया ना यहाँ पे, तो -1 दिखेगा हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें यहाँ पे +1 पड़ा है, यानी इनके लिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स -1 आ रहा होगा, तभी यहाँ +1 आया ना, यहाँ पे +1 पड़ा है, यहाँ पे +1 पड़ा है, एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे हमें -1 दिख रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से इजिली बता सकते हो कि जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ए इनवर्स का वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट की हेल्प से यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 4x3, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें कितना दिया गया, 4x3, एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज 4x5,
एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी इज 7x3, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें किसका ऑर्डर बताना है, ए ट्रांसपोज, बी द होल ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज का, ये वाला जो मैट्रिक्स बनेगा हमें इसका ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो हमें पता है कि जब हम टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है सपोज, और बी सपोज करो एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है ना। तो टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होती हैं, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के जैसे ए बी अगर हमें फाइंड करना है तो हम ये कहते होते हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे एम नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन नंबर ऑफ कॉलम्स को, एन नंबर ऑफ रोज को और पी नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो हम ये कहते होते हैं अगर टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ तो हमने इक्वल ले ही लिया ना, एन एन आ रहा है हमारे पास, तो ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और इसका जो आंसर आएगा ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी उस वो कितने क्रॉस कितने का बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी होगा, ऐसे देखते होते हैं हम। ठीक है, आई होप ये बेसिक तो आपको क्लियर होगा ही। तो चलिए हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लें, ए ट्रांसपोज बी द होल ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। जब हम ए बी का ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो कैसे ओपन होता है, किसी भी मैट्रिक्स प्रोडक्ट में टू मैट्रिसेस पड़ी हो उनका ट्रांसपोज हम ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज द ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज एज इट इज पड़ा है, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको ओपन किया है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे ए का 2 टाइम्स ट्रांसपोज करोगे तो ए मैट्रिक्स ही बन जाता है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी ट्रांसपोज। अब चेक कर लेते हैं, अगर बी का ऑर्डर 4x5 है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, 5x4 होगा। ए का ऑर्डर कितना है, 4x3 है, और सी ट्रांसपोज अगर सी का ऑर्डर 7x3 है तो सी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, 3x7। उल्टा हो जाता है ना जब हम ट्रांसपोज करते हैं। अब ये देखो मल्टीप्लाई करने पे, जब आप ये मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये आएगा ना, तो इसका ऑर्डर हमें बताना है। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टू को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, यहाँ से 5x3 की, और आगे कौन सा मैट्रिक्स पड़ा है, 3x7 का। अब ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, हमारे पास 5x7 का बनेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो परम्यूटेशन से रिलेटेड है। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, एक ग्रुप में 7 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल इज, तो हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं, हमें एक इनमें से हमें क्या करना है, हमें एक टीम सेलेक्ट करनी है 5 मेंबर्स की। ठीक है, टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए टीम में, 5 मेंबर्स होने चाहिए, हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, और जो भी हम टीम बना रहे हैं 5 मेंबर्स की उसमें एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमें बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, तो एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, तो पांचों के पांचों हम बॉयज़ तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो अगर पांचों के पांचों मेंबर्स हमने बॉयज़ से सिलेक्ट कर लिए तो गर्ल तो कोई भी नहीं आएगी, लेकिन क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है एक गर्ल तो होनी ही चाहिए बीच में, एटलीस्ट 1 गर्ल या ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, 4 गर्ल्स है ना, 4 में से हम एक गर्ल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 5 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, 4 में से हमने एक गर्ल ले ली, तो बाकी 4 बॉयज सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लस एक वे तो ये हो सकता है सिलेक्ट करने का, या फिर हमने 4 में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली तो और कितने मेंबर सिलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे फिर हमें, 5 की टीम तभी कंप्लीट होगी ना। तो या फिर हम कर सकते हैं 4C3, 3 गर्ल्स हमने सिलेक्ट कर ली और 2 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, बॉयज़ कितने से, टोटल 7 थे। या फिर और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि चारों की चारों आपने ये 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, एक बचा ना तो एक बॉय सिलेक्ट कर लिया हमने 7 में से। ठीक है, तो सब में जितने भी हमने चॉइसेस लिए हैं सब में एटलीस्ट 1 बॉय और एटलीस्ट 1 गर्ल तो
सिलेक्ट हो ही रही है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 4C1 इज नथिंग बट 4। 7C4 को जब हम ओपन करेंगे ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल, इसको ओपन करें 7 6 5, और यहाँ पे आएगा 3 2 1। प्लस 4C2 को जब हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा 4 into 3 2 into 1। 7C3 को जब हम ओपन करेंगे दिस इज नथिंग बट 7 6 5 3 into 2 into 1। प्लस 4C3 को जब हम ओपन करेंगे तो ये आएगा 4 by 1। 7C2 को ओपन करेंगे ये आएगा हमारे पास 7 into 6 upon 2 into 1। एंड देन 4C4 तो 1 होता है एंड 7C1 7 होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 6 कैंसिल आउट हो गया। 4 into 35 प्लस यहाँ पे ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना हमारा 6 into 35। और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया है, तो ये बना हमारा 4 3 12 into 7 plus 7। अब इनको काउंट करके हम ऐड करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ये बन गया हमारा 35 4 सा 140, 35 6 सा 210, 12 7 सा 84 plus 7। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 140 210 84 and 7। हाँ जी, 441 इज द राइट आंसर। तो ये पढ़ा हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमने ये सिलेक्शन करनी थी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू, तो ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही होते हैं। जैसे पैराबोला अगर हम लेते हैं, पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, कोई भी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं ना पैराबोला की, तो उन सब के लिए जो लेटेस्ट रेक्टम आता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये होती है हमारे पास 4a, और अगर हमारे पास इक्वेशन एलिप्स का हो, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो आता है हमारे पास वो आता है 2b² अपॉन ए। ऐसे ही हाइपरबोला के लिए भी हमारे पास जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है वो क्या होता है, 2b² अपॉन ए ही होता है। हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर बार वहाँ पे प्रूफ करो, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं उनके लिए आपको याद ही होना चाहिए कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 2b² अपॉन ए होगा। वैसे एक बार मैं यहाँ पे प्रूफ करवा देती हूँ, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं प्रूफ। 2b² अपॉन ए जो होता है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आता है एलिप्स के लिए। हाँ जी, तो सपोज ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली क्या होता है, ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये फोकस है एलिप्स का विच इज AE,0। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द एलिप्स एंड पासिस टू द फोकस, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस टू द फोकस ऑफ द एलिप्स और परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, है ना, या फिर पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स भी बोल सकती हो। ये फोकस से पास करती है और जो मेजर एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर होती है लाइन। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है ये वाला, ये लेंथ बन जाएगी किसकी, लेटेस्ट रेक्टम की। और हमें पता है ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल फिगर है, जितना पोर्शन यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, तो हमने मान लिया कि ये जो हमारी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये वाली अपर पोर्शन ये एल है, तो ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी ना। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम कितनी ले सकते हैं, अगर ये वाला इतना पोर्शन आप एल ले रहे हो तो ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ रही है। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए ई है, और ये जो वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आ रहा है वाई एक्सिस के, वो कितना आ रहा है हमारे पास, एल आ रहा है, तो ये पॉइंट कितना होगा, ए ई को मैं एल होगा ये पॉइंट,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ही है और ये वाला डिस्टेंस हमने एल ले लिया है। अब ये जो पॉइंट है वो कर रहा है एलिप्स पे लाई, तो ये एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो कर रहा होगा ना। तो एक्स को हम यहाँ पे डाल देते हैं ए ई और वाई को हम यहाँ पे डाल देते हैं एल, ठीक है। तो ये ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारा ये बन गया एल स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वेयर। और जब हम एलिप्स में सेंट्रिसिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर। ये तो 1 माइनस ई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, राइट। तो यहाँ पे आ गया एल स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर कितना आ जाएगा, बी, ये बी स्क्वेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बी रेस्ट पर 4 अपॉन ए स्क्वेयर। तो एल कितना आ जाएगा, एल इज बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर रूट, है ना। प्लस माइनस साइन, नेगेटिव साइन हम लेंगे नहीं क्योंकि एल हमने लेंथ चूज किया, तो लेंथ कभी नेगेटिव तो होता नहीं है ना। तो प्लस माइनस साइन आएगा वैसे तो यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पे जो है इग्नोर कर देंगे। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वेयर अपॉन ए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने कितना लिखा था, 2L माना था ना ये, क्योंकि ओवरऑल लेंथ तो ये 2L बन रही थी। तो 2 × L की वैल्यू आ रही है बी स्क्वेयर अपॉन ए। सो दिस इज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन केस ऑफ एलिप्स, 2B² अपॉन ए। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होंगे वो याद रखो कि तो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं कि हम वहाँ पे हर क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आयलर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें जेड दिया गया यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल जेड बाई कर्ल वाई कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम आयलर्स थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, अगर हमें ऐसे दिया हो ना जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इफ जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, तो हम कहते होते हैं कैसे चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑर्डर एन का या नहीं। तो हम यहाँ से एक्स लिस्ट पर एन ऐसे कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा बचना चाहिए ए वाई अपॉन एक्स का। अगर इस फंक्शन को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो हम कहते होते हैं कि ये जो एफ है यहाँ पे, एफ इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, ठीक है। तो अगर जेड हमारा यहाँ पे ये होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री एन का, तो आयलर थ्योरम क्या कहती है हमें, तो आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट होता है एक्स इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, ये एन जेड के इक्वल होता है। एन यहाँ पे हम क्या रखते हैं, जो भी हमारे पास डिग्री होती है फंक्शन की, ठीक है। तो हमें जो फंक्शन दिया गया है वो कौन सा है, जेड इज इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। इस फंक्शन को हमने क्या किस फॉर्म में लिखना होता है कि एक्स की जितनी भी पावर है आउटसाइड कॉमन निकालो और बाकी का जो फंक्शन है वो वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में बचना चाहिए हमारे पास, है ना। बाकी की सारी टर्म्स वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में होने चाहिए और एक्स अकेला अलग से दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वाई भी पड़ा है ना हमारे पास। हमने क्या कहा है, हम कब बोलेंगे इसको आयलर कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, एक्स की कुछ पावर आउटसाइड और बाकी की सारी टर्म वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, वाई अपॉन एक्स चाहिए हमें एक्स के अलावा जो भी टर्म्स होंगे, तो हम यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये देखो ये ऐसा ही नहीं बन गया कि ये फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वेयर, ये ओवरऑल जो फंक्शन है वो वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्स की कुछ पावर पड़ी है जो भी हमें फंक्शन गिवन था और बाकी की टर्म्स को हमने वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हियर जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, 2 डिग्री का हमारे पास ये होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है। सो अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम, तो एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, ये एन जेड के इक्वल होता है। एन यहाँ पे क्या रखते हैं, डिग्री ऑफ द फंक्शन, तो डिग्री हमारे पास 2 आ रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2z। तो यहाँ पे 2z इसका करेक्ट आंसर होगा, 2z हमारे पास ऑप्शन में पड़ा है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया है, इफ टू इवेंट्स आर सच दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमें कितना दिया गया है, 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.3, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें निकालनी है बी ऑब्लिक ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, तो हमें फॉर्मूला ये पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑब्लिक डी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं हम इनके इंटरसेक्शन लेते हैं न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में जो भी यहाँ पे पड़ा होती है वैल्यू, ये हमें निकालना है।
तो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि अगर ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो टू इवेंट्स की, तो न्यूमिरेटर में हम ये किसके इक्वल होता है, न्यूमिरेटर में हम इन दोनों की इंटरसेक्शन रखते हैं, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में पड़ा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों की यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे न्यूमिरेटर में, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे पड़ा है इवेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इनकी वैल्यूज निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो न्यूमिरेटर में हमारे पास ये फंक्शन पड़ा है, जो भी वैल्यू पड़ी है, एक्सप्रेशन पड़ा है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी ही है। तो इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली देख सकते हो, ये देखो ठीक है, ये हमारा ए इवेंट है, ये है हमारा बी इवेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने, और जो भी होगा ये उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है। ए की यूनियन लो पहले बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए तो ये सारा ही है, ये वाला ए, ये ए कंसिडर करना है, और इसकी यूनियन लेनी है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट है ये वाला। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, यूनियन यूनियन है तो सभी एलिमेंट्स आ गए, ये वाले एलिमेंट्स भी आ गए और ये आउटसाइड वाले एलिमेंट्स भी आ गए, किसमें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। अब इसकी इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लेनी है, बी के साथ, तो बी के साथ इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पोर्शन देखना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाले एलिमेंट्स पड़े हैं, इसका कॉमन पोर्शन देखना है हमने बी के साथ, तो बी के साथ कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला, ये बी के साथ, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में भी थे और बी में भी हैं। तो एक्चुअल में ये वाला जो सेट हमारे पास बन रहा है, दिस इज नथिंग बट ये, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये वाला पोर्शन जो हमारे पास बन रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 0.3 है, तो पुट कर देंगे। अब रहता क्या है सॉल्व करना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तुम्हें पता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दो, है ना, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस, तो यहाँ पे बन गया ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर हमें ए माइनस बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये देखो, हाँ जी, ये है हमारा ए इवेंट एंड ये है हमारा बी इवेंट। तो हमने क्या करना है, ए माइनस बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये ओवरऑल ए था, इसमें से हमने ये बी वाला पोर्शन निकाल दिया, तो बचा क्या, सिर्फ ये है, तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ना कि ओवर पूरा का पूरा पहले ए सिलेक्ट कर लो, उसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दो, ये ए ओवरऑल सिलेक्ट कर लो और उसके बाद उसमें से इंटरसेक्शन निकाल दो इसकी, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो, तो ये हमारा बेसिकली बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज़ पड़ा है यहाँ पे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट भी एज इट इज़ पड़ा है, माइनस यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला ये वाला डाल दो, नेगेटिव साइन भी आ गए, तो यहाँ पे ये ए नेगेटिव हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये पॉजिटिव हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो निकाल देते हैं यहाँ पे, देखो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है 0.3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बचा है हमारे पास, ये बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बचा है, तो ये आ रहा है 0.3 अपॉन, अगर बी का प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस 0.5 विच इज 0.5, तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें 0.3 गिवन ही है, तो आंसर कितना आ रहा है, 0.3 अपॉन 0.8, 0.5 प्लस 0.3 0.8, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना बन गया, 3/8 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ऑप्शन में 3/8 कहाँ पे पड़ा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में पड़ा है 3/8। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट, सेट हमें कैसा दिया गया, दिस इज अ सेट विच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू टपल्स सच दैट x1² प्लस x2² इज लेस देन 1। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स की ये कलेक्शन है, तुम्हें बताना है क्या ये सेट जो है वो ओपन सेट है, क्लोज सेट है, या फिर ना इधर ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज सेट। जब इस टाइप की इनक्वालिटीज होती है ना, इनको देख के ही पता चल जाता है ये ओपन होगा या क्लोज होगा। अगर यहाँ पे इनक्वालिटी लेस का यूज, लेस साइन यूज किया हो, तो हम इसको बोलते हैं ये ओपन सेट होगा। ठीक है, अगर लेस के साथ इक्वालिटी भी आ जाए तो इसको बोलते हैं ये क्लोज सेट होगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास क्लोज सेट। तो यहाँ पे देखो ओनली लेस का साइन दिया हुआ है, तो यानी हम इंटीरियर ले लें, ये सर्कल है ना एक्चुअल में, x1² प्लस x2² इज लेस देन 1, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1, और इसमें भी हम सिर्फ इंटीरियर पोर्शन काउंट कर रहे हैं, सर्कल का इनर पार्ट पोर्शन जो है इक्वल टू 1 ले लोगे तो ये बाउंड्री भी काउंट करेगा, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना, तो इंटीरियर पोर्शन की बात हो रही है, ये वाले सारे पॉइंट्स की बात हो रही है, ये वाले पॉइंट्स का सेट ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेट के बारे में बताना था, तो ये ओपन सेट है या नहीं है, तो यहाँ पे अगर बाउंड्री ले लेते फिर ये क्लोज बन जाता, अदरवाइज अगर यहाँ पे सिर्फ लेस का साइन ले रहे हो आप यहाँ पे, तो ये ओपन सेट में काउंट होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज ओपन सेट। अब बिल्कुल प्रॉपर बाय डेफिनेशन भी इसको देख सकते हो, हम किसी भी सेट को ओपन सेट कब बोलते हैं, अगर उस सेट का हर एक पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट हो तब बोलते होते हैं, तो इंटीरियर पॉइंट हो तब बोलते होते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, देखो अब हमें पता है ये जो हमें सेट दिया गया है इसमें इस सर्कल के जो इनसाइड पॉइंट है ये वाले पॉइंट्स ही होंगे ना, तो चेक कर लो कि सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, तो आपको हमेशा इस पॉइंट के अबाउट एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा, एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जो इंटायरली इस सेट में ही बिलोंग कर रहा है, ये पूरा पूरा नेबरहुड इस सेट में ही है, ये ले लोगे तो यहाँ भी आप एक नेबरहुड ड्रॉ कर पाओगे हर एक पॉइंट के लिए, कि ये नेबरहुड जो होगा वो इंटायरली इस सेट में ही बिलोंग कर रहा होगा, तो इस सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन रहा है, तो हम इस सेट को ओपन सेट बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे इक्वालिटी दे देता वो, तो यानी बाउंड्री के पॉइंट्स भी बीच में आ जाते, तो जब बाउंड्री आ जाती है ना फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर ये ओपन नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर आप ये वाला पॉइंट कंसिडर करोगे सेट का बाउंड्री वाला ये वाला, तो जब भी आप इसका कोई भी नेबरहुड लेने की कोशिश करोगे तो ये वाले पॉइंट तो आउटसाइड चले जाएंगे ना, इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या चाहिए होता है कि जो पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो उसका नेबरहुड जो है वो पूरा का पूरा सेट में कंटेन करना चाहिए, सेट में तो ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं या फिर ये इंटीरियर वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स तो आउटसाइड रह जाएंगे ना, तो ये वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन ही नहीं पाएगा, तो ये सेट ओपन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस केस में ये सेट क्लोज हो जाता है अगर यहाँ पे इक्वालिटी भी आ जाती है हमारे पास, बट फिलहाल हमें इक्वालिटी दे ही नहीं हुई है, हमें सिर्फ लेस का साइन गिवन है, तो ये इंटीरियर अंदर वाले पॉइंट्स की बात हो रही है, तो ये ओपन सेट होगा, इस सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो ये ओपन सेट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है वो लीनियर एल्जेब्रा से, लीनियर एल्जेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया हमें, कंसीडर द बेसिस एस v1 v2 v3 ऑफ R3, तो ये हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 to R2, टी हमें गिवन है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 से लेकर R2 तक, और जो R3 है इसका बेसिस हमें S दिया गया है, और इस बेसिस में इसकी डायमेंशन 3 होगी ना R3 की, तो इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, बेसिस में 3 एलिमेंट्स होंगे, v1 v2 v3, और वो v1 v2 v3 भी हमें बताया गया है, v1 की वैल्यू हमें दी गई है 1 1 1, v2 हमें कितना दिया गया क्वेश्चन में 1 1 0, एंड v3 हमें कितना दिया गया 1 0 0, ये वैल्यूज हमें v1 v2 v3 की गिवन है, और ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं R3 के लिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, कि जब हम t अप्लाई करते हैं
किस पे? वी वन पे। वी वन एलिमेंट आपको पता है ये है, तो इसका आंसर कितना आता है? 1,0 आता है, ये हमें गिवन है। ये देखो टी ऑफ वी वन इज 1,0। टी जब हम वी टू पे अप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 2,-1, और जब हम वी थ्री पे अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4,3। तो क्वेश्चन क्या है, हमें करना क्या है? देन व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस एलिमेंट? तो हमें बताना है इमेज ऑफ 2-3, 5 अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। हमें इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती डायरेक्टली तो हम इजीली बता पाते हैं। अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो ये R3 का एलिमेंट है ना, एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट है R3 का जिस पे हम टी अप्लाई करेंगे और हमें इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जनरल एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं R3 के। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3, ये R3 का हमने एलिमेंट लिया। अब हमें पता है कि अगर ये ऐसा सेट जो है वो बेसिस है R3 का, तो बेसिस की क्या खासियत होती है कि अगर हम वो वेक्टर स्पेस का कोई भी और एलिमेंट लेते हैं उसको आप ये वाले एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमने R3 का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, तो एक्स वाई जेड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स बेसिस। तो हम ए इंटू वी वन इसको लिख सकते हैं, बी इंटू वी टू प्लस सी इंटू वी थ्री, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। वेयर ए बी सी जो है वो क्या है, स्केलर्स हैं जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, रियल रियल नंबर्स है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल दें इसकी। हमें वैल्यू पता है वी वन वी टू वी थ्री की। ए इंटू वी वन की वैल्यू है 1,1,1, प्लस बी इंटू वी टू की वैल्यू है यहाँ पे 1,1,0, सी इंटू वी थ्री, वी थ्री की वैल्यू है हमारे पास 1,0,0। ठीक है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, जब हम इनको ऐड करेंगे सॉल्व करके, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे क्या बनेगा, ए इसका सेकंड कंपोनेंट बी और इसका सेकंड कंपोनेंट 0, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। ओके, और इसका थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे ए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 आएगा, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस 0 प्लस 0। ओके, हाँ जी, हमने इनको ऐड करके ये लिख लिया आंसर हमारा। अब ये टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना, तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। ये थ्री टपल है, तो एक्स किसके इक्वल होगा यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट के ए प्लस बी प्लस सी के। वाई किसके इक्वल होगा, सेकेंड कॉम्पोनेंट के ए प्लस बी के। ऐसे जेड किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए के इक्वल होगा। तो एक्चुअल में हमें क्या करना था, हम लिख रहे थे एक्स वाई जेड को लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके जो बेसिस के एलिमेंट्स थे, तो हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है अगर हम ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, जेड आ गई है। ओके, तो ए की वैल्यू अगर जेड है ये वाली, यहाँ पे डाल दें ए की वैल्यू जेड ये यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इज इक्वल टू वाई माइनस ए। ए की वैल्यू तो जेड है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई माइनस जेड। ऐसे यहाँ से हम निकाल लेते हैं सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस, ये इधर जाके माइनस ए हो जाएगा ना, एक्स माइनस ए, ए की वैल्यू है जेड माइनस ये यहाँ पे बी। सी की वैल्यू निकालोगे एक्स माइनस ए माइनस बी, माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस जेड है। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम, ये माइनस जेड और ये माइनस माइनस प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस वाई आ जाएगी। तो एक्स वाई जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं यहाँ पे, ये है ना हमारे पास वैल्यू। अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ये है हमारा ए वी वन प्लस बी वी टू प्लस सी वी थ्री, यही है ना, ए बी सी की वैल्यू भी यूज़ करते हैं जो हमने निकाल लिया है। अब हमें आंसर क्या चाहिए कि अगर हम ऐसे किसी भी थ्री टपल पे ये एक्स वाई जेड इस पे टी अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, तो टी अप्लाई कर दें इस पे ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि ये R3 का एलिमेंट है, तो ऑब्वियस R3 के एलिमेंट पे टी तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। तो अगर इस पे आप टी अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस है ये वाले एलिमेंट पे आप टी अप्लाई कर रहे हो, तो टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो क्या करता है, स्केलर को आउटसाइड निकाल देता है ना, जब इस पे टी अप्लाई होगा तो ए आउटसाइड आ जाएगा टी ऑफ वी वन के इक्वल होगा, बी आउटसाइड आ जाएगा यहाँ पे टी ऑफ वी टू आएगा, यहाँ से सी आउटसाइड आ जाएगा यहाँ पे आएगा टी ऑफ वी थ्री। ओके, अब ये टी ऑफ वी वन वी टू वी थ्री की वैल्यू हमें गिवन है, ये ए आ गया, टी ऑफ वी वन हमें गिवन था 1,0, यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू, टी ऑफ वी टू हमें गिवन था 2,-1 और टी ऑफ वी थ्री हमें गिवन था ये 4,3।
तो टी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास ये बन गई, है ना। हाँ जी, तो ये हमने टी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली है। टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए टाइम्स 1,0, और ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, पहले लिख देती हूँ एक बार। ए टाइम्स 1,0, बी टाइम्स 2,-1 एंड सी टाइम्स 4,0। कुछ नहीं किया, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये वाली वैल्यू उठा के बस यहाँ पे लिखी है। तो टी ऑफ एक्स वाई जेड इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से ए की वैल्यू डाल दे, ए की वैल्यू तो जेड निकाली हमने, तो यहाँ पे जेड इंटू 1,0। बी की वैल्यू हमने क्या लिखी है, वाई माइनस जेड 2,-1, और सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या पड़ा है, 4,3। यहाँ पे उठा के ए बी सी की वैल्यूज डाल दी जो हमने निकाली थी। अब निकाल लेते हैं हमारा आंसर। हमें इमेज चाहिए किसकी, 2-3, 5 की। तो एक्स को यहाँ पे 2 पुट कर दो, वाई को -3 पुट कर दो, और जेड को 5 पुट कर दो। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, जेड हमने क्या लिया, यहाँ पे 5 लिया, तो आएगा 5 × 1,0 प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा, ये वाई है ये जेड है, -3 - 5 इज -8, तो यहाँ पे आएगा -8 × 2,-1। यहाँ पे एक्स माइनस वाई लेना है, 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -3 को, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 5 आएगा, 4,3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका फर्स्ट कंपोनेंट 5 होगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, 8 to the 16, -16 होगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट कितना होगा, +20 होगा, कॉमा सेकेंड कंपोनेंट 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, -8 को 8 से मल्टीप्लाई, -8 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +8, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15। तो आंसर देख लो, सेकंड कंपोनेंट 15 + 8 कितना बनता है, 23 बनता है ना, तो देख लो ऑप्शन में 23 कहाँ पे पड़ा है, सेकंड कंपोनेंट। इसमें सेकंड कंपोनेंट तो 5 है फर्स्ट ऑप्शन में, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में कितना पड़ा है सेकंड कंपोनेंट, 5 पड़ा है, इसमें 4 पड़ा है, इसमें 0 पड़ा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते हैं, 23 इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी ऐड करके देख लो, ये -11 बनता है, -11 + 20 = 9, सो 9,23 इज आर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। हाँ जी, तो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 75 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 21। हमें टू नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन कितना दिया गया, 75 दिया गया, और ज्योमेट्रिक मीन हमें कितना दिया गया, 21 दिया गया। फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर्स बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शंस इजीली कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस में हमें नंबर्स ऑलरेडी गिवन है, तो वो नंबर ढूंढ लो जिनका अर्थमेटिक मीन 75 आ रहा होगा और जो ज्योमेट्रिक मीन 21 दे रहे होंगे, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स निकालते कैसे, पहले वो देख लो। अगर ए एंड बी हमारे पास टू नंबर्स हों, तो इनका अर्थमेटिक मीन होता है हमारे पास a + b/2। दो नंबर्स के लिए है ये फॉर्मूला, सिर्फ टू नंबर्स के लिए, और इनके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है √a एंड b। दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। तो हमें वो नंबर चाहिए जिनका अर्थमेटिक मीन 75 हो और ज्योमेट्रिक मीन 21 हो। तो जल्दी से ऑप्शन से चेक कर लें, ए ऑप्शन इनमें से देख लेते हैं, इनका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, 133 + 70 कितना होता है, 150 होता है, 150 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे 75 आएगा। तो इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन 75 आ रहा है, पहले चेक कर लें। वो ऑप्शन कट कर देते हैं जिनका अर्थमेटिक मीन 75 होगा ही नहीं, है ना। इनको चेक करें, ये कितना आएगा, 0 14 प्लस, ये भी 150 आ रहा है, इनका भी 75 ही बनेगा, तो ये भी ऑप्शन मतलब करेक्ट हो सकता है। ये 3 + 147, इनका भी 150 / 2 = 17, 75 ही आएगा। और यहाँ पे भी 73 + 77, 150 होता है, 2 से डिवाइड करोगे 75 आएगा। तो ऑप्शन हम कोई भी डिस्कार्ड नहीं कर पाया, क्योंकि सभी नंबर्स का अर्थमेटिक मीन यहाँ पे 75 ही आ रहा है। तो अब सेकंड कंडीशन हमें क्या चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जिनका अर्थमेटिक मीन 75 है, ज्योमेट्रिक मीन कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। ढूंढ लेते हैं इनमें से किनका ज्योमेट्रिक मीन 21 है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, √133 × 17। तो क्या देख लेते हैं, क्या ये 21 बनता है इसको सॉल्व करके, तो इसको लिख सकते हैं 133 को 7 × ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ये तो कॉमन ही है, नहीं आ रहा कुछ, है ना। तो ये 21 तो बन ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड
63 × 87, 63 को अगर हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7 9, है ना, और 87 को लिख सकते हैं 3 × 29, यहाँ पे आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से। इसके तो फैक्टर्स बन जाएंगे, इसको हम 3 लिख सकते हैं आउटसाइड निकाल के, बाकी के तो फैक्टर्स ही नहीं बन रहे हैं कि ये 21 बना दे, तो ये भी नहीं हमारा ऑप्शन हो सकता है, हमें ज्योमेट्रिक मीन 21 चाहिए। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में है 3 × 147, इसका देख लेते हैं क्या आएगा। 3 × 147 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 49, लिखा जा सकता है, और ये आएगा 3 × 3 × 7 × 7 49 को, तो ये आ गया हमारा 3 × 7 विच इज़ 21। तो सी ऑप्शन में ये जो नंबर्स पड़े हैं 3 × 147, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको जिनका अगर आप अर्थमेटिक में निकाल रहे हो 75 आ रहा है, ज्योमेट्रिक में निकाल रहे हो तो 21 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।